गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट को आप भी कैसी हो। लेसन नंबर 20 आवर गवर्नमेंट पार्ट 1 सो सी इन बुक पेज नंबर 130। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकसभा द लोअर हाउस। ओके, राज्यसभा और द अपर हाउस एंड स्टेट गवर्नमेंट जुडिशरी is your topic and it is discussed by me in next video. Firstly, we will discuss about the introduction of our government and the central government. So student, in this lesson we will learn about the two levels of the government in our country. Hum is part mein do tarah ki sarkar ke bare mein padhenge jo hamare bharat mein hai। पहला क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। दूसरा बेटा क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है। और जुडिशरी ऑफ इंडिया, जुडिशरी ऑफ इंडिया मतलब क्या है, हमारे जो न्यायाधीश हैं, हमारे दूसरा जो कानून है, जो न्याय न्यायाधीश जो न्याय करते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो बेटा सी इन योर बुक पेज नंबर 130 केयरफुली एंड लिसन बी केयरफुली। इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 में फ्री हुआ था, किससे, ब्रिटिश रूल से। एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बताया संविधान, 26 जनवरी 1950 में। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुसार इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया क्या है, हैं, एक राज्य का संगठन है, हैं, संगठन का राज्य है। इट इज अ वास्ट कंट्री विद 29 स्टेट्स, क्या है, स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। इसमें क्या है बेटा, 29 स्टेट्स हैं, राज्य हैं, और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। लेकिन बेटा क्या है, अब इस समय प्रेजेंट में क्या कर दिया, 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। इसमें लिस्ट किसको किसके किया गया है, लद्दाख किया गया है, और एक आपका है जम्मू एंड कश्मीर है, इसको किया गया है। तो बेटा आपको जो बुक में दिया गया है 29 स्टेट्स है एंड 7 यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन प्रजेंट में 28 स्टेट कर दिया गया है और 9 यूनियन टेरिटरीज कर दिया गया है। देखिए आगे, अ सिंगल गवर्नमेंट कैन नॉट गवर्न बिग कंट्री लाइक इंडिया। यानी एक सरकार क्या है, जो है कि इस बड़े देश भारत में राज नहीं कर सकती है। इसलिए क्या है, देखिए, सो द गवर्नमेंट हैज बीन फॉर्म एट टू लेवल्स। इसलिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने टू लेवल्स का निर्माण किया है, दो तरह की सरकारों का निर्माण किया है। वन एट द सेंट्रल लेवल, एक क्या है, केंद्र सरकार है, हैं, एंड द अदर स्टेट एट द स्टेट लेवल, और दूसरी सरकार क्या है, स्टेट लेवल की सरकार होती है। समझ रहे बेटा, पावर्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बोथ द लेवल्स इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। और जो पावर है यह है दोनों में बांट दिया गया है, दोनों स्टेट में बांट दिया गया है, ताकि कोई मतलब कि झगड़ा ना हो। इसलिए जो कि सबकी अलग अलग पावर है अपनी अपनी, गवर्नमेंट सरकार क्या, स्टेट गवर्नमेंट सरकार अपनी पावर को लेके राज करती है, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब अपनी पावर से, ठीक है, इस तरह मतलब क्या हो, सब चीज़ क्या हो, सिस्टमेटिक ढंग से हो, इसलिए ऐसा किया गया है। ड्यूरिंग एनी क्राइसिस द गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट कम्स टू द एड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई कृषि मतलब होता है आपदा, अगर कोई आपदा आती है तो आपदा के दरमियान क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट की सहायता करती है। अब बात करेंगे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यानी क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें क्या है, जुड़े रहते हैं कौन कौन, कौन कौन रहते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं, उपराष्ट्रपति,
एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और क्या होता है, मंत्रियों का मंत्री परिषद रहता है जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चला जाता है, संचालित किया जाता है। द बॉडी दैट मेक्स लॉ इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। जो बॉडी क्या है, रूप क्या है, जो मतलब कि कानून बनाती है, उसे पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कहते हैं। एंड इट हैज़ टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो देखिए बेटा, हम क्या करते हैं, लोकसभा के बारे में बात कर लेते हैं। लोकसभा और द लोअर हाउस, द लोकसभा कंसिस्ट ऑफ 5545 मेंबर। लोकसभा में 545 मेंबर होते हैं, आउट ऑफ विच 543 मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। और उसमें से 543 जो मेंबर होते हैं वह जनता के द्वारा चुने जाते हैं। टू मेंबर्स मे बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। इट इज इफ इट इज नॉट एडिक्यूटली रिप्रेजेंटेड इन द लोकसभा। और दो मेंबर रहते हैं, क्या है, उनको राष्ट्रपति जो एंग्लो इंडियन से कम्युनिटी समुदाय के रहते हैं उनके द्वारा उनको चुना जाता है और रिप्रेजेंट किया जाता है। सिटीजन्स हु आर 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट। जो सिटीजन्स 18 वर्ष का हो या उससे अधिक हो वह क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। उसके बाद क्या है, एंड अबव कैन वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉमिनेटेड बाई वेरियस पार्टीज, और ये प्रतिनिधि बहुत सारे पार्टियों द्वारा चुने जाते हैं। एनी सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 25 कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा। लोकसभा के इलेक्शन के लिए कोई सिटीजन जो क्या हो, 25 साल के ऊपर हो, वह क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। तो बेटा ये तो था लोकसभा और द लोअर हाउस के बारे में मैंने चर्चा किया। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस राज्यसभा और द अपर हाउस, स्टेट गवर्नमेंट एंड जुडिशरी सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।